हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल LBD रोबोटिक्स। आज मैं आपको साउंड सेंसर की वर्किंग बताऊंगा। उसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट एक केबल, और नेक्स्ट आपको एक साउंड सेंसर चाहिए होता है। उसके बाद हमें एक आर्डिनो यूनो चाहिए होता है। उसके बाद हमको कुछ जंपर वायर्स जो मैंने ले रखी हैं अपने हाथ में, आप देख सकते हो इनको, और एक ब्रेडबोर्ड और एक LED। ओके, और फर्स्ट मैंने एक जंपर वायर पिक कर ली है। उस जंपर वायर को मैंने सबसे पहले यहाँ पे 5 वोल्टेज के उस प्लग में प्लग इन कर दिया है, आप देख सकते हो। और उसके बाद मैंने उस जंपर वायर के साउंड सेंसर में भी 5 वोल्टेज पे प्लग इन कर दिया है। एक और मैंने जंपर वायर पिक कर ली है, उसको मैंने ग्राउंड से जोड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी मैंने अपने साउंड सेंसर में भी इसको मैं ग्राउंड से ही जोड़ूंगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्राउंड को ग्राउंड से ही जोड़ना है। उसके बाद मैंने एक और जंपर वायर पिक की है, उसको मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं आपको एक मैंने जंपर वायर ले रखी है, इसको मैंने प्लग इन कर दिया है आउटपुट में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको मैंने प्लग इन कर दिया है आउटपुट में। और उसके बाद मैंने इसको आर्डिनो यूनो में 4 में प्लग इन कर दिया है। एक बार मैं अपने फ्रेंड से बोलूँगा कि इसको थोड़ा सा जूम करिए। उसके बाद मैंने एक जंपर वायर ली हुई है, जो मैंने लेकर आया हूँ ब्रेडबोर्ड में, प्लस में मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। अब मैं इस जंपर वायर को 8 में प्लग इन करूँगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, और ये रहा। इसके बाद मैंने एक और जंपर वायर पिक कर ली है, इसको मैंने ब्रेडबोर्ड के ग्राउंड से, ठीक है, अब मैंने एक जंपर वायर को LED के ग्राउंड से आर्डिनो यूनो के ग्राउंड में इसको मैंने ग्राउंड में जोड़ दिया है। अब इसके बाद मैंने इस केबल को आर्डिनो यूनो से कनेक्ट कर दिया है, ये मैंने प्लग इन कर दिया है। और उसके बाद मैं इसको डिवाइस से कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसको आपको इसकी वर्किंग दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं कैसे ये वर्क कर रहा है। अब हमारे IT इंजीनियर इसके कोडिंग के बारे में आपको कुछ बताएंगे। तो है दोस्तों, जैसा कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने आपको सर्किट डायग्राम दिखा दिया है, हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो कोड स्टार्ट करते हैं। पहले डिक्लेरेशन है int LED इज इक्वल टू 8। मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। LED इज इक्वल टू 8 मतलब LED पिन के आउट पॉजिटिव को हम 8 सेट कर रहे हैं, जो कि बाद में यूज़ करेंगे हम। सेटअप में पिन मोड LED आउटपुट, मतलब जो 8 पिन है इसको हम आउटपुट की तरह ले रहे हैं आर्डिनो से। और पिन मोड 4 इनपुट, मतलब जो सेंसर का इनपुट है वो पिन मोड पिन 4 पे लेंगे हम। सीरियल बिगिन 9600, मतलब सीरियल कम्युनिकेशन बिगिन कर रहे हैं विद 9600 BPS बिट्स पर सेकेंड। लूप में स्टार्ट किया हमने। लूप में हमने पहले एक वैल लिया इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने रीड किया 4 का, मतलब सेंसर का आउटपुट रीड किया। अगर सेंसर का आउटपुट हाई है, इफ़ वैल इज इक्वल टू हाई, तो हम क्या करेंगे, LED को हाई कर देंगे, मतलब जला देंगे, डिले देंगे एक 1000 मिली सेकेंड, मतलब एक सेकेंड का, जिससे कि हमें दिखे वो जलती हुई थोड़ी देर। सीरियल डॉट प्रिंट प्रिंट किया, वो तो मैंने लॉग्स के लिए। और डिस्प्ले डॉट राइट लो, और फिर हम लो कर देंगे, और लो रहेगा ये सिर्फ 100 मिली सेकेंड के लिए। तो कोड तो सिर्फ इतना ही था। आप इसको अगर कंपाइल करेंगे, इस कोड को कॉपी करके, और जैसा कनेक्शन हमारे IT इंजीनियर ने बताया है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ने बताया है, तो आपका ये कोड परफेक्टली वर्क करेगा, जैसा कि हमने आपको दिखाया भी है। थैंक यू एंड बाय।